अस्सलाम वालेकुम भाई, आज हम अपने रोजी बल्ब को स्पॉन्स से लेकर उसी पॉइंट में छोड़ेंगे, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो इसमें मुख्तलिफ साइज है, जो बड़ी वाली है ना वो हम अपने लिए ब्रीड के लिए अलग करेंगे और जो छोटी वाली है वो दूसरी तालाब में छोड़ेंगे। तो अभी देखें, अभी हम इससे पानी थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि पकड़ने में फिर आसानी हो, तो अभी इससे पानी कम करके फिर उसको पकड़ लेंगे। तो ये रही मूली, इसका फॉर्म ये रहा, इसमें ये छोटा सा जो है ना वो इस तालाब में छोड़ेंगे। और ये रहा मूली का फॉर्म जो पिछले वीडियो में हमने खाली किया था। ये हमारी कुछ गोल्डफिश की फीमेल्स, ये मूली का फॉर्म है। तो अभी पानी कम हो गया, अभी इसको जल्दी से पकड़ लेते और फिर उसमें अलग अलग साइज अलग अलग पॉन्ड्स में छोड़ेंगे। Oh,
तभी हमने सबको पकड़ लिया वो पौंड खाली के, और अभी इसमें जो बड़े पीस है ना वो हमने अलग किए, और उसमें से भी मैं ये मेल और फीमेल को अलग अलग कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए ना कि कितनी क्वांटिटी में है। तो ये देखिए, ये मेल्स हो गई और ये दूसरी टब में फीमेल्स है, तो अभी मैं इसमें से फीमेल्स पकड़ कर अलग कर रहा हूँ और मेल अलग। ये रही फीमेल्स, ये भी बस ब्रीड के लिए रेडी है, तो इंशाल्लाह इसे भी कुछ ही दिनों में ब्रीड लेंगे। फिर ये देखिए, मेल्स के कलर ज़्यादा डार्क होते हैं ना, हाइफिन भी है इसमें, ये देखिए ये हाइफिन है और कुछ नॉर्मल है। तो मेल्स के जो जो कलर है ना ये ज़्यादा डार्क होती है और फीमेल की लाइट होती है, कलर इसके ज़्यादा रेड नहीं होती है। देखिए तो इसकी मेल फीमेल की यही पहचान है बहुत ईजी, फीमेल के कलर्स लाइट होती है और मेल के डार्क होती है। तो इस छोटी साइज़ की मैंने कुछ अंडर वाटर वीडियो बनाई है ये देखकर, और जो बड़े वाले हैं उसको दूसरे साइड पे फिर छोड़ेंगे। इसमें कुछ कोई फिश के भी बेबी थे जो हमने इसके साथ छोड़ा है। तो ये तो हो गया, अभी हम जाएंगे उस दूसरे साइड पे, उसमें जो पौंड है उसमें ये अपने ब्रीडिंग के लिए जो बड़ी पीस है वो छोड़ेंगे। तो ये रहे फीमेल्स, ये रहे मेल्स। अभी सबसे पहले फीमेल्स को छोड़ेंगे और फिर मेल्स को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।